आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं राजस्थान की फेमस बेसन के गट्टू की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं आपको बेसन के गट्टे बनाना सिखाती हूँ। इसमें क्या क्या सामान यूज होगा वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक बाउल बेसन है जो करीबन 150 ग्राम के करीब होगा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। मैंने मसालेदानी पहले ही रख ली थी क्योंकि मैं आपको बता के दिखा के सब मसाले ऐड करूंगी। ये आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है और आधा ही चम्मच मैंने अजवाइन डाली है इसके अंदर और एक चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। धीरे धीरे आराम आराम से आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे इसमें जो नमक अजवाइन हल्दी हमने मिक्स की है वो सही से मिक्स हो जाए। और जब हमारा ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके गट्टे बनाएंगे। तो अब हम इसको हाथ से कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, आप ये देखिए ऐसा हो जाना चाहिए। यदि हमारा ऐसा होगा तो हमारे गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो यदि हमारे थोड़ा सा भी ऑयल कम रह गया तो हमारे गट्टे टाइट होने का चांस होता है, टाइट हो सकते हैं। इसलिए हमें इतना ऑयल तो डालना ही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाती हूँ। आप इसे अच्छे से आराम आराम से मिक्स कर लीजिए। तेल और पानी मिक्स करने के बाद ये ऐसा डो बन गया है। मैंने एक पैन रख दिया है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ और मैं इसमें करीबन 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। इतने पानी उबलेगा इतने मैं अपने गट्टे तैयार कर लेती हूँ। जब तक हमारा पानी गर्म होता है जब तक मैं आपको गट्टे बनाना बताती हूँ कि गट्टे कैसे बनते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लीजिए और ऐसे करके धीरे 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 ऐसे आप कर दीजिए, इसको ऐसे ही कर दीजिए और ऐसे करने के बाद ये दोनों तरफ से इकसार कर लीजिए। बस इस तरह से ही गट्टे बन जाएंगे हमारे। ऐसे ही अपना दूसरा गट्टा बना लीजिए, दूसरा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये भी हमारा दूसरा गट्टा भी ऐसे ही तैयार हो गया है। अब ये हमारे गट्टे बन चुके हैं। अब मैं इन पानी मेरा उबल गया है, अब मैं इनको एक एक करके पानी में डाल दूंगी। एक एक करके ही डालें, आप सारे एक साथ ना डालें। सारे आप एक साथ डालेंगे तो पानी की गर्माई कम हो जाएगी और वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप पानी में एक एक ही करके डालें। जब भी डालें अब ये मैंने पानी में डाल दिया। अब मैं इनको ढक देती हूँ और गैस मंदी रखी है। करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको देख लेती हूँ ये कितने पके हैं। अभी थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, 5 मिनट इनको और मैं और पकने देती हूँ। गैस अपनी मीडियम ही रखे हैं। अब टोटल 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इन्हें देखती हूँ ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इनको एक एक करके निकाल दूंगी। अब मैंने ये निकाल लिए हैं। अब मैं इनको
बराबर बराबर काट लूँगी, एक एक लीजिए और अब आराम आराम से ऐसे करके बराबर बराबर आप इनको काट लीजिए। अब ये मैंने काट लिए हैं, देख रहे होंगे मैंने सब बराबर बराबर काटे हैं। जिस पानी में मैंने ये उबाले थे वो पानी मुझे फेंकना नहीं है, ये मुझे पानी रखना है, क्योंकि मुझे ये पानी इसी सब्जी में डालना है। मैं गट्टे की सब्जी में ये पानी डालूँगी। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, अब मैं इनको काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, इनकी मैंने प्यूरी बना दी है। अब मैं एक कटोरी दही लेंगी, जो मैं ये दोनों चीज़ें सब्जी में ऐड करूँगी। अब मैंने धीमी गैस पर पैन रख दिया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ओलिव ऑयल है ये, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का, तिल का, सरसों का, आप जौन सा भी ऑयल पसंद करें। बहुत से जने देसी घी में पसंद करते हैं, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका मन हो सो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं गैस थोड़ी तेज़ करती हूँ और इसमें थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच मैं जीरा डाल देती हूँ इसके अंदर। आप देख रहे हैं अब मेरा अजवाइन जीरा थोड़ा सा लाल होने जा रहा है, इसलिए मैंने अब थोड़ी सी अजवाइन भी इसके अंदर ऐड कर दी है। दोनों ये अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, सुनहरा होने तक हम इनको करेंगे। गैस मीडियम कर लीजिए। अब ये मेरा सुनहरा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह से भून लूँगी, गैस थोड़ी सी तेज कर लीजिए। अब मैंने ये अच्छी तरह से मिला लिया है, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, सो मैंने काट के पहले से ही रख रखी थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ी सी, आप देख रहे हैं ये भून गया है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। आप जब दही डालें तो इसको बराबर चलाते रहें, रुके ना, क्योंकि यदि आप रुक जाएंगे तो दही फट जाएगी दही। तो इसलिए हमें जब तक खट्टा नहीं लगता है, उबाल नहीं आता, तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे। आप देखिए मैं इसको बराबर मिला रही हूँ, तो अब ये उबाल आने वाला है, उबाल आ जाएगा। जो मैंने गट्टे उबालने में पकाने में पानी लिया था, सो मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर ही ऐड करूँगी, ये पानी भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें उबाल आने तक का इंतज़ार कर रही हूँ। उबाल आने के बाद ही मुझको इसमें गट्टे डालने हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहा है, अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। आप देख रहे होंगे पूरी तरह से इसमें उबाल आ रहा है अच्छी तरह से। अब ये इसके अंदर मैं गट्टे भी ऐड कर देती हूँ, जो मैंने गट्टे आपको दिखाए थे, बनाए थे, काट के रखे थे, सो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये गट्टे मैंने सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप देख रहे होंगे सब्जी मैं अब भी उबाल आ रहा है। अब मैं इसको करीबन
20 मिनट के लिए मीडियम गैस पे रखूँगी और ढक देती हूँ। मैंने इसको ढक दिया है और गैस मीडियम कर दी है। अब मैं 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं देखती हूँ मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से पक गई होगी। अब मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार है, पक गई है। इसमें अब मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। ये ऐसे हथेली से मिला मिला के आप डाल सकते हैं। ऐसे ही सारी कस्तूरी मेथी आप डाल दें। अब आप देखिए कस्तूरी मेथी डालने के बाद सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे उतार लेते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। मैंने पहले से ही हरा धनिया काट के रखा हुआ था, वो मैंने सजावट के लिए डाल दिया है। ये हमारी राजस्थान की मशहूर बेसन के गट्टे की सब्जी तैयार है। आप ये सब्जी अपने घर में बना के ट्राई करना और आपको ये सब्जी पसंद आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के बताना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। अगली बार किसी नई चीज़ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।